आज के इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही भटिंडा की सांसद और भारत सरकार में पिछले छः वर्ष से भी ज़्यादा समय तक लगातार मेरे साथ कैबिनेट में सहयोगी रही मेरी बहन हरसिमरत कौर बादल जी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे पंजाब के मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश सोनी जी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे भारत की संसद में मेरे सहयोगी सांसद श्री गुरजीत सिंह औजला जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एम्स भटिंडा के प्रेसिडेंट और जो आज नेशनल मेडिकल कमीशन के भी चेयरमैन हैं ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर एस सी शर्मा जी आज के इसी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम जी फरीदकोट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर जी डॉक्टर तिवारी जी और जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को एक थोड़े से समय में आयोजित करने का सफल प्रयास किया है ऐसे एम्स भटिंडा के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह सभी एम्स भटिंडा के स्वास्थ्यकर्मी सभी वहाँ के प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स सभी अन्य चिकित्सा कर्मी आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गेस्ट और मेरे साथ यहाँ पर जो इस निर्माण भवन में इस समय उपस्थित हैं भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुनील शर्मा जी जो सारे देश के एम्स के काम को सुचारू रूप से व्यवस्थित करते हैं उसको मॉनिटर करते हैं मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आप सबको बधाई देता हूँ भटिंडा के लोगों को पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं जानता हूँ कि हरसिमरत कौर जी जो इस क्षेत्र की सांसद हैं उनको निश्चित रूप से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही होगी पिछले साल ही इसी कैंपस में आकर मैंने उनके साथ और सोनी जी के साथ और और दूसरे सभी गण्य लोगों की उपस्थिति में उस कार्यक्रम में सुखबीर सिंह बादल जी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे इस एम्स भटिंडा की ओपीडी सर्विसेज का शुरुआत किया था और आज मुझे आप सब की उपस्थिति में यहाँ के नई फैसिलिटीज़ और विशेषकर जैसा कि अभी सांसद महोदय ने भी विवरण किया स्टेट कि ऑफ द आर्ट ऐसी सी स्कैन की एमआरआई की रेडियोलॉजी से जुड़ी हुई एक्स रेज़ और विशेषकर जो हमारे एमबीबीएस के बच्चे अभी तक फरीदकोट यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई पिछले सेशन में प्रारंभ की उन बच्चे और बच्चियों के लिए आज एक नया हॉस्टल यह भी जो है आज इस अवसर पर यहाँ पर उन सब के लिए समर्पित किया गया है मेरे लिए ये निश्चित रूप से बहुत खुशी का अवसर है और जब भी कोई एम्स जैसी इंस्टीट्यूशंस के विस्तार का इतिहास भारत में लिखा जाएगा तो दो प्रधानमंत्रियों को विशेष रूप से याद किया जाएगा और इस अवसर पर अगर जब हम एम्स भटिंडा के लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो अगर हम इन दोनों प्रधानमंत्रियों को याद नहीं करेंगे तो शायद इस कार्यक्रम की सही मायने में सार्थकता और सफलता नहीं होगी आज़ादी के बाद लगभग छप्पन वर्ष तक भारत में केवल एक ही एम्स चलता रहा वो एक लैंडमार्क था वो आज भी एक लैंडमार्क है उसको हम सब लोग एम्स न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं लेकिन ये देश कभी भी अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं भूल सकता जिन्होंने 15 अगस्त 2003 के दिन सारे देश के सामने एक नया विचार रखा था और उस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से उन्होंने पहली बार ये घोषणा की इस एम्स न्यू दिल्ली के बाद हम देश में पांच और नए एम्स बनाएंगे और इसी के साथ साथ हम आने वाले वर्षों में देश में पिछहत्तर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में उसी का परिणाम हुआ कि उस एक एम्स न्यू दिल्ली के बाद देश में पांच नए एम्स जोड़े गए जो समय समय पर डेवलपमेंट के विभिन्न फेजेस के अंदर देश के सामने अपना काम शुरू करने से लेकर उसको पूरा करते रहे लेकिन 2014 में जब देश का दूसरा एक महान सपूत नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत का प्रधानमंत्री बना और उन्होंने एक अपनी अटल जी के स्वप्न को आगे बढ़ाते हुए अपने मन के विचारों को देश के सामने रखा और उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ये है हमारी सोच ये है हमारा विज़न ये है कि खाली देश में छः एम्स नहीं होने चाहिए धीरे 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 करके हम देश के हर स्टेट के अंदर हम एक नया एम्स बनाना चाहते हैं और उसी सोच के बाद मैं उस समय भारत का स्वास्थ्य मंत्री था शुरुआती दौर में 2014 में और अभी जब हरसिमरत कौर जी कह रही थी कि प्रकाश सिंह बादल साहब जो हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेता हैं बहुत सम्माननीय हैं वो भारत में राजधानी में आकर वो प्रधानमंत्री जी से मिले थे तो मुझे याद है कि वो उस समय निर्माण भवन में मुझे भी आकर मिले थे और उनके मुझे उस समय दर्शन करने का सौभाग्य मिला था और उन्होंने उस समय निश्चित रूप से ये आग्रह किया था कि जब सारे देश में एम्स का विस्तार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की योजना है तो उसमें पंजाब को पीछे नहीं छूटना चाहिए और ठीक कहा हरसिमरत कौर जी ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी जिनका पंजाब के साथ विशेष लगाव भी था और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया प्रधानमंत्री जी का तो पहले ही निर्देश था और फाइनेंस मिनिस्टर ने वो अटल जी के समय में जो छः एम्स की योजना बनी उसके बाद उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जब शुरू किया तो उस पहले दौर के अंदर उन्होंने भटिंडा के अंदर एम्स की भी घोषणा की और जैसा बताया गया कि 2016 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा और उसके बाद मुझे आप सबके साथ पिछले वर्ष दिसंबर में उस समय हम लोगों को नहीं पता था कि आने वाले साल के अंदर हम लगातार 10 महीने तक कोरोना से जूझेंगे अभी आठ जनवरी को जो लड़ाई शुरू हुई थी पहली मीटिंग से अभी आठ नवंबर को पूरे दस महीने हो जाएंगे कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में और दिसंबर के अंदर हम लोगों ने जब इसका ओ स्टार्ट किया था तब ये संकल्प लिया था और इस सी स्कैन के लिए एमआरआई स्कैन के लिए उस समय भी वहाँ पर मांग उठाई गई थी और मुझे खुशी है कि आज इस कोरोना के काल के बावजूद जिस प्रकार की प्रगति प्रग इस एम्स भटिंडा को करनी चाहिए वो बहुत तेज़ी से कर रहा है आज शायद अगले छः महीने के अंदर हमारा डेडलाइन है कोशिश है कि हम जून 2021 तक सारी बिल्डिंग्स को कंप्लीट करें और अभी मैं जब रिव्यू कर रहा था तो मैं देख रहा था कि अभी बहुत सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं चाहे वो आयुष का ब्लॉक हो ओ का ब्लॉक हो डायग्नोस्टिक ब्लॉक हो गेस्ट हाउस हो डायरेक्टर्स रेजिडेंस और दूसरी चीज़ें ये सारी की सारी चीज़ें हमारी की हो चुकी हैं लगभग सत्तर प्रतिशत जो है काम हमारा पूरा हो चुका है भारत सरकार की तरफ से पाँच करोड़ रुपया इस काम के लिए ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और आने वाली जो सुविधाएं हैं ये सारी की सारी बची हुई सुविधाएं भी हम अगले छः महीने के अंदर इनको पूरा करने वाले हैं मैं हृदय की गहराइयों से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और पंजाब के लोगों को इस एम्स भटिंडा के लिए हमारी हरसिमरत कौर जी को वहाँ की सरकार को सभी को मेडिकल एजुकेशन मंत्री साहब को सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पंजाब को ये इतना बड़ा तोहफा मिला है आप सब जानते हैं कि मेडिकल एजुकेशन के विस्तार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर उसको आगे नहीं बढ़ाया है लेकिन अगर आज मैं यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन भी बैठे हैं अगर मैं ये कहूँ बड़े गर्व के साथ तो मेडिकल एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए जहाँ नेशनल मेडिकल कमीशन के रूप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देश के अंदर प्रस्तुत हुआ है उसी के साथ साथ पिछले पाँच साल के अंदर उनतीस हज़ार से ज़्यादा एमबीबीएस की सीटें देश में बढ़ाई गई सत्रह हज़ार से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स बढ़ाई गई और आपको सुनकर खुशी होगी कि इस समय जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करने की प्रक्रियाओं को पिछले समय में शुरू किया गया देश में एक मेडिकल कॉलेजेस इस समय ऐसे हैं जो विभिन्न फेजेस के अंदर हैं जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया जारी है और जैसा अभी स्वयं पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कहा कि एस एस नगर कपूरथला और होशियारपुर के अंदर पंजाब को भी नया मेडिकल कॉलेज दिया गया है इन एक में पिछहत्तर मेडिकल कॉलेज तो पिछले एक साल के अंदर जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए देश का नेतृत्व संभालने के लिए जनता ने उन्हें आदेश किया तो पहले कैबिनेट नोट के अंदर ही हरसिमरत कौर बादल जी भी उस समय कैबिनेट की सदस्य थी ये फैसला किया गया कि देश के सबसे पिछड़े हुए सबसे जो विपन्न क्षेत्र हैं जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं जिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पिछले दो तीन सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स को लागू किया पूर्वक उनको मॉनिटर किया इम्प्लीमेंट किया उन्हीं पिछहत्तर स्थानों पर देश के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है नए खोले जाएंगे और खाली ये कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ आज पिछहत्तर के पिछहत्तर स्थान देश के तय हो चुके हैं उनमें से कई स्थानों पर मैं वहाँ की सरकारों के साथ उनके फाउंडेशन स्टोन की जो लेइंग सेरेमनी है तमिलनाडु तक जाकर उनको मैं पूरा कर चुका हूँ यानी सरकार की एक व्यापक सोच जिसके तहत वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दूर दराज तक जो बेस्ट पॉसिबल सुविधाएं हैं वो जनता के लिए खासकर स्वास्थ्य की सुविधाएं, दूसरे क्षेत्रों के बारे में ये कार्यक्रम में मैं चर्चा नहीं करता लेकिन स्वास्थ्य के बारे में असाधारण तरीके से चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की बात हो चाहे वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स जिनका कंसेप्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुआ और उसको बढ़ाने का काम रहा आपके पंजाब में भी अमृतसर और पटियाला के अंदर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स का भारत सरकार के सहयोग से काम पूरा हो चुका है और इसी तरीके से आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के पचपन छप्पन करोड़ लोग गरीब लोग उनके लिए देश के हजारों ऐसे अस्पतालों में जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जहाँ पर हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हो, सरकारी हो, कोई भी देश का गरीब वो किसी भी प्रांत में पैदा हुआ हो किसी भी प्रांत में काम करता हो लेकिन वो किसी भी प्रांत के उस अस्पताल के अंदर ऐसे बीस हज़ार से ज़्यादा अस्पताल उनके अंदर वो एंटर कर सकता है सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के आधार पर उसका पाँच लाख रुपए तक का इलाज हो जाता है और साथ में देश में डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को क्रिएट किया जा रहा है जहाँ स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन के रूप में लोगों की जल्दी समय पर कैंसर के बारे में डायबिटीज़ के बारे में हाइपरटेंशन के बारे में ऐसी अनेकों बीमारियों को डायग्नोज करना सब प्रकार की दवाएं सब प्रकार की डायग्नोस्टिक सुविधाएं इनको उपलब्ध कराना ये भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर बन चुके हैं और डेढ़ लाख की संख्या 31 दिसंबर 2022 जब प्रधानमंत्री जी नया भारत देशवासियों को देना चाहते हैं तब तक ये पूरी होने जा रही है कहने का अभिप्राय यह है कि भारत सरकार की सोच बहुत ही इस बारे में व्यापक है और स्वास्थ्य सुविधाएं उसकी प्राथमिकता में हैं और हमने स्वयं देख लिया है कि कोरोना काल में जब इतनी देश को तकलीफ थी तो भी स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रख कर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर पीपीई सपोर्ट तक एन नाइन्टी फाइव मास्क वेंटिलेटर्स दवाइयाँ किट्स डायग्नोसिस के लिए लैब्स ये सारी की सारी चीज़ें भारत सरकार ने उपलब्ध कराई एक लैब से लेकर 2000 लैब्स के ऊपर की यात्रा नौ दस प्रतिशत के रिकवरी रेट से नब्बे प्रतिशत से ज़्यादा के रिकवरी रेट की यात्रा और जहां चार 5 प्रतिशत तक मोटैलिटी फोटेलिटी रेट्स होते थे आज वहां से उसको कम लाकर डेढ़ प्रतिशत तक लाने की यात्रा और जहां कुछ हज़ार टेस्ट होते थे देश में और सब लोग टेस्ट 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 बोलते थे चारों तरफ तो ऐसे देश के अंदर एक मिलियन यानी दस लाख से लेकर पंद्रह लाख के बीच में हर रोज़ टेस्ट करना ये कोई साधारण बात नहीं थी ये सबके सहयोग से हुआ लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होल ऑफ़ गवर्नमेंट अप्रोच से होल ऑफ़ कंट्री होल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी तरीके से सपोर्ट किया और उसी के कारण देश में बड़ी संख्या के अंदर हमारे लोगों के प्राणों की रक्षा की जा सकी इस बात का देश को हमेशा दुख रहेगा दुनिया को दुख रहेगा कि इस लड़ाई को लड़ते लड़ते बहुत सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स बहुत सारे हमारे पैरामेडिक्स नर्सेस फ्रंटलाइन वर्कर्स उन्होंने अपने प्राण भी गवा दिए उनके प्राण भी नौछावर हो गए इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण गवा दिए और इतने सब प्रयासों के बावजूद भी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु का शिकार हो गए हम सब लोग ऐसे अवसरों पर ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी प्रणाम करना चाहते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप एक प्रतिष्ठित संस्थान के पहले डायरेक्टर रहे हैं हमारा जो वाराणसी का जो इतना बड़ा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है मेडिकल साइंसिस का आपने उसका भी नेतृत्व किया है और आपको ये ज़िम्मेदारी बहुत सोच समझ के दी गई है और हमें पूरा विश्वास है कि एम्स भटिंडा खाली पंजाब ही नहीं आसपास के लोगों की भी बहुत गहराई गंभीरता और सच्चाई से वो सेवा करेगा आप स्वयं डॉक्टर हैं आप जानते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की ऊंचाई उसकी बिल्डिंग के खूबसूरत बनने से उसमें तमाम फैसिलिटीज़ होने से नहीं होती है सी स्कैन और एम और दूसरी फैसिलिटीज़ तो हो जाएंगी लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो सफलता होती है वो वहाँ जो भी लोग काम करते हैं उनका व्यवहार कितना संवेदनशीलता से परिपूर्ण है कितना करुणा से परिपूर्ण है कितना गंभीर है कितनी उनकी अप्रोच के अंदर सादगी है समर्पण है इस बात से होता है और मैं चाहता हूँ कि पंजाब की भूमि जो है ये बहुत पवित्र भूमि है शहीदों की भूमि है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है बहुत बड़े बड़े महानुभावों ने पंजाब की धरती पर गुरुओं ने सारे देश को दुनिया को मार्गदर्शन किया है इसलिए पंजाब की धरती पर जो एम्स है वो उन्हीं गुरुओं की परंपरा के अनुरूप उसी तरह के सेवा भाव से चलना चाहिए जो पंजाब की धरती से सारे भारत को और दुनिया को मिला है मैं आज के इस अवसर पर सभी महानुभावों को हरसिमरत कौर जी को और हमारे ओम प्रकाश सोनी जी को और साथ में गुरजीत जी को सभी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और भारत सरकार की ओर से पंजाब की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार किसी भी प्रकार की कभी भी कोई कमी नहीं रखेगी मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ आपको सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ नमस्कार जय हिंद